उत्तर प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, लेकिन एक जिला ऐसा है जहां की कलेक्टर साहिबा के इकबाल के आगे सीएम योगी आदित्यनाथ का कद भी बौना है, क्योंकि यहां योगी और उनकी सरकार की नहीं बल्कि कलेक्टर साहिबा के हुक्म की तामील होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद उन्नाव की, जहां की कलेक्टर साहिबा अपूर्वा दुबे ने योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के फरमान के ऐसे चीथड़े उड़ाए हैं कि पूरी सरकार की साख पर बट्टा लग गया है। दरअसल कस्तूरबा विद्यालयों के कायाकल्प के नाम पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक ही काम के एस्टीमेट को पार्ट्स में तैयार करवाया गया, जिससे कायाकल्प का कार्य करवाने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जा सके। कलेक्ट्रेट साहिबा के रसूख का अंदाजा तो आप इसी से लगा लीजिए कि मैडम खुलेआम शासन के आदेशों को दरकिनार कर जिले में भ्रष्टाचार की खेती कर रही हैं। दरअसल अपने कारनामों से सुर्खियों में बनी रहने का शौक रखने वाली उन्नाव की कलेक्टर अपूर्वा दुबे पर अचानक से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के कायाकल्प का ऐसा बुखार चढ़ा है कि मैडम ने क्षेत्र पंचायत निधि से, जिससे गांव की सड़कों, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होना था, उसी मद से सभी ब्लॉकों के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के कायाकल्प का फरमान सुना डाला, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुखों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन जिले इलाही ने विरोध कर रहे कुछ ब्लॉक प्रमुखों पर जांच का हंटर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख तो शांत पड़ गए, लेकिन कायाकल्प के लिए बनाए गए एस्टीमेट 25 से 30 लाख को 3 पार्ट में बनवाने पर कुछ बीडीओ ने कलेक्टर साहिबा को चिट्ठी भेजकर वित्तीय अनियमितता का हवाला दिया था, जिसके बाद उन अधिकारियों पर भी मैडम का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद जिले इलाही के आगे सभी ने माथा टेक दिया और जनपद के 8 ब्लॉकों में शासन आदेश को ताक पर रखकर लगभग 2 करोड़ से ऊपर के एस्टीमेट तैयार कर कस्तूरबा विद्यालय के नाम पर खुद का कायाकल्प शुरू करा दिया गया। वही कलेक्टर साहिबा के इस वित्तीय अनियमितता के खिलाफ अब बीएसए उन्नाव ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कलेक्टर साहिबा औंधे मुंह गिर पड़ी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये सवाल भी उठाया कि आखिर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का कायाकल्प के एस्टीमेट आज तक उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, हमारे 8 विद्यालयों में क्षेत्र पंचायत मत से हमारे बीडीओ साहबान द्वारा काम करवाया जा रहा है। एक आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है कि इसमें जो कार्य कराया जा रहा है उसमें आपको एस्टीमेट की कॉपी तक भी नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो ये कैसे कार्य कराया जा रहा है, मतलब क्या है? नहीं, वो कार्यक्षेत्र तो बीडीओ साहबान का है और क्षेत्र पंचायत से होना है, तो उसमें शायद इसीलिए मुझे एस्टीमेट नहीं दिया गया है, बाकी काम कस्तूरबा गांधी में हो रहा है। लेकिन अगर कस्तूरबा विद्यालयों की बात की जाए तो उनका मत अलग से आता है, पंचायत क्षेत्रों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? वहाँ पे जो मत आता है कस्तूरबा गांधी में वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम मत आता है, तो उसमें जो वृहद कार्य कराए जाने थे, जिसकी आवश्यकता थी, वो शायद नहीं संभव था, इसलिए क्षेत्र पंचायत के थ्रू बीडीओ सर के माध्यम से कराया जा रहा था। वही बीएसए संजय तिवारी के मोर्चा खोलने के बाद अब ये तो साफ हो चुका है कि कस्तूरबा के कायाकल्प के लिए कलेक्टर साहिबा पर लग रहे वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में दम तो है, क्योंकि बीएसए को एस्टीमेट की कॉपी न देना इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि कस्तूरबा के नाम पर कायाकल्प किसी और का ही हो रहा है। उन्नाव से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।